हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल मैक्स का कीड़ा। तो स्टूडेंट, मैं पहले एक चीज़ बता दूं कि हमारा एक और चैनल है टेक्निकल टेक टॉक्स, टेक्निकल के ऊपर है टेक टॉक्स नाम का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस चैनल को पे विजिट करिएगा, देखिएगा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा, नॉलेजेबल वीडियो आपको मिल रहे तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे ये जो चैनल है उसे सब्सक्राइब तो करना ही। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 हम पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 2.4 पर मैंने एक और वीडियो अपलोड कर रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा वो वीडियो आपको। तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक किया था, बट उसमें क्वेश्चन नंबर 6 स्किप कर दिया था मैंने, ठीक है। तो आज मैं 6 क्वेश्चन भी करूंगा और उसके आगे क्वेश्चन भी करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक मैट्रिक्स ए बी, हमें सी ट्रांसपोज फाइंड करना है और इधर पे कुछ दिया हुआ है 3a - 2b + c = y। हमें c ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो c ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए पहले तो c फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका ट्रांसपोज लोगे। तो c फाइंड करते, ऐसा कुछ हमें दिया रहता है उससे c फाइंड करना हम लोग ने सीखा है पहले भी, तो अगेन करते। तो 3a - 2b + c = y। 3 into a, ए क्या है 5, 4 - 2, 3 - 2 एंड बी मैट्रिक्स क्या है -1, 3, 4 - 1 + c। मैंने कहा सी ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हमें सी फाइंड करना पड़ेगा, तो ये सी एज इट इज रहेगा। और आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर 2, सेकेंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स कैसे होता है 1, 0, 0, 1। ओके, ये सारी चीजें हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो स्टार्टिंग से देखे आ रहे हो ना तो जरूर आपको समझेगा सारा कुछ, नहीं समझेगा ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, समझेगा। तो स्टार्ट करते, 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते, तो ये 3 चारों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 5 = 15, 3 4 = 12, 3 2 - 2 - 6, 3 3 = 9। ओके, सिमिलरली इधर 2 मल्टीप्लाई होगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वापस से रिपीट करो, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, माइनस इधर ही रहेगा, सिर्फ 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो 2 into -1 - 2, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 into -1 - 2 + c = 1, 0, 0, 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स देखो माइनस होगा, ठीक है, तो माइनस कर देते, कैसे होगा 15 - 2, अब माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 12 - 6, इधर -6 - 8, नेक्स्ट 9 - 9 - -2, -2 + c = 1, 0, 0, 1। ओके, नाउ अब जाते आगे, तो ये क्या बनेगा 15 + 2 = 17, 12 - 6 = 6, -6 + 6 + 8 = 14, > 8 है उसका साइन माइनस है इसलिए -14, 9 + 2 = 11, + c = 1, 0, 0, 1। हमें c निकालना है, तो c को अकेले करना पड़ेगा, मैट्रिक्स को इक्वल्स के उस तरफ फेंक देंगे, ठीक है, तो चलो उस तरफ फेंक दो उसे, तो मैंने उस तरफ फेंक दिया। अब इक्वल्स के उस तरफ फेंक दोगे तो साइन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव है मैट्रिक्स, उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब माइनस करते, 1 - 17, फिर 0 - 6, फिर 0 - -14, -, +14, नेक्स्ट 1 - 11। ओके, तो सी हमें क्या मिला, -16 - 6 = 14, -10। ओके, ये हमें C मिला, हमें क्या निकालना है, C ट्रांसपोज। तो C ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही है, मैं क्वेश्चन रफ कर देता हूँ क्योंकि एक ही स्टेप बचा हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन रफ कर दो, इतना नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा पार्ट में रफ कर रहा हूँ। ओके, तो C ट्रांसपोज फाइंड करना था, तो C ट्रांसपोज क्या होगा, हम लोग ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो कॉलम बन जाता है। तो देखो रो क्या है, -16 - 6, वो क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, 14 - 10, ये हमारा सी ट्रांसपोज है। तो इधर पे खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 6, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है a + 2b + 3c होल ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + 2b ट्रांसपोज + 3c ट्रांसपोज।
तो हमें ये दोनों को वेरीफाई करना है, तो पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये पूरे ब्रैकेट का ट्रांसपोज बोला, तो ये पहले ब्रैकेट निकालना पड़ेगा, ये ब्रैकेट सॉल्व करके एक मैट्रिक्स मिलेगा, फिर उसका ट्रांसपोज कर लेंगे। तो ये देखो ये हमने निकालना सीखा है, हमने अभी लास्ट वाले सब में भी ऐसा किया था और हमने पहले भी काफी वीडियो में ये कर चुके, ठीक है। तो मैं ये फटक से आपको सिखाऊंगा, ये मैं पूरा बढ़ाते नहीं बैठूंगा, तो ये फटक से सिखाऊंगा। तो मेरे पास एक जादू की चुटकी बज जाती है, ये वीडियो फास्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते वो जादू और ये सम। ओके ओके, तो कैसा लगा मेरा जादू? अच्छा ना, तो देखें तो इधर पे हमें क्या मिल गया, ये ब्रैकेट मिल गया। अब उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो इसे नोट डाउन कर लो फटाक से, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ओके तो हमें ये साइड मिल गया, उसको मैंने इस तरफ लिख के रख दिया। अब ये सॉल्व करते हैं, क्या दिया हुआ, ए ट्रांसपोज प्लस टू बी ट्रांसपोज प्लस थ्री सी ट्रांसपोज। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ, ओके ए ट्रांसपोज डायरेक्ट ले लेता हूँ, तो मैं फटाक से करता हूँ। ओके देखो ए ट्रांसपोज ए था, उसका ट्रांसपोज ले लिया, प्लस टू बी ट्रांसपोज टू वन माइनस फोर थ्री फाइव माइनस टू प्लस थ्री थ्री सी ट्रांसपोज क्या होगा, जीरो टू थ्री माइनस वन वन जीरो। अब फटाफट करते जाते हैं, ओके okay, तो क्या मिल रहा है अभी, वन प्लस फोर फाइव और ये सिक्स, ये एट फोर्टीन और ये क्या मिल रहा है हमें, टू और ये माइनस टू। तो देखिए हमें क्या मिल गया, दूसरा साइड मिल गया। तो दोनों साइड सेम है क्या, देखो इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो इधर पे ये वेरीफाई होता है, दोनों इक्वल है, इधर पे क्वेश्चन नंबर एट जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन में ए बी मैट्रिक्स दिया, इधर पे ये दोनों प्रूफ करना, ठीक है। तो मैं एक साइड को सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट ए प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाला है, तो सबसे पहले ए प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो ए प्लस बी ट्रांसपोज कैसे मिलेगा, माइनस वन टू वन माइनस थ्री टू माइनस थ्री प्लस बी ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, क्या बन जाएगा, रो कॉलम सेकेंड, रो सेकेंड कॉलम थर्ड, रो थर्ड कॉलम। ओके अब प्लस कर दोगे दोनों को, माइनस वन प्लस टू टू प्लस माइनस माइनस थ्री वन प्लस माइनस माइनस वन, ओके माइनस थ्री प्लस वन टू प्लस टू माइनस थ्री प्लस थ्री। तो ये क्या मिलेगा हमें, वन ये माइनस वन ये जीरो ये माइनस टू फोर जीरो। थोड़ा सा फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग ये चीज़ें कर चुके हैं, अगेन एंड अगेन हम लोग वही रिपीट कर रहे हैं। अब मुझे ए प्लस बी बी ट्रांसपोज मिल गया है, अब उसका होल ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो ए प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज लेना था, क्या होगा, रो क्या बन जाएगा, कॉलम वन माइनस वन जीरो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस टू फोर जीरो। ये मिल गया हमें एक साइड, अब जाते हैं दूसरे साइड पर। सेकेंड है ए ट्रांसपोज प्लस बी, ओके ये हमें मिल गया, अब इस पे आते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी। तो ए ट्रांसपोज करो, तो ए ट्रांसपोज मैंने क्या कहा था, फर्स्ट रो कॉलम बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो
सेकेंड कॉलम बन जाएगा, प्लस बी करना है, बी क्या है 2, 1, -3, 2, -1, 3, ओके। अब माइनस वन प्लस टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमेशा ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट माइनस थ्री प्लस वन, अब टू प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस माइनस थ्री हो जाएगा, एंड टू टू प्लस टू, नेक्स्ट वन प्लस माइनस वन, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट माइनस थ्री प्लस थ्री, इसे सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, ये मिलेगा वन, ये मिलेगा माइनस टू, ये माइनस वन, ये फोर, वन माइनस वन जीरो, माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो, ओके। अब देखते हैं ये हमें क्या मिला और ये हमें, दोनों सेम मिल रहे हैं, मतलब दोनों इक्वल है, ओके। तो इधर पे जो हमारा नाइन्थ क्वेश्चन होता है खत्म, तो इसके साथ हम वीडियो को भी करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और साथ साथ मेरा जादू कैसा लगा आपको। थैंक यू वेरी मच।